दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अपडेट देने वाले हैं इंडियन टू का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हुआ है डे टू में। मैंने इसका डे वन का भी आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अपडेट दिया है, वो चैनल पेज पे पड़ा है वीडियो, जाकर देख सकते हैं। और खास करके मैंने इस मूवी का भी रिव्यू किया है जो कि कमल हसन की मूवी है, पूरे 28-29 साल के बाद आ रही है। मैंने इसका भी रिव्यू किया है, चैनल पेज पे पड़ा हुआ है क्या कुछ मूवी है, ये मैंने आपको बताया है। मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, आप जाकर मेरा वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इसका इंडियन टू का डे टू के दिन यानी सैटरडे के दिन इसका जो कलेक्शन हुआ, पूरा जो कलेक्शन था 18 करोड़ 2 लाख। और लैंग्वेज वाइज का जो कलेक्शन है डे टू के दिन, तमिल वर्जन का 13 करोड़ 7 लाख, हिंदी का 1 करोड़ 3 लाख, तेलुगु का 3 करोड़ 2 लाख, जो कि हिंदी का बहुत ही कम हुआ क्योंकि हिंदी में अच्छी सी डब मूवी नहीं है, इसीलिए हिंदी में कम कलेक्शन देखने को मिला। और हिंदी ऑडियंस में ज़्यादा क्रेज भी नहीं है क्योंकि तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं कमल हसन, तो तेलुगु में ज़्यादा मूवी देखी जा रही है। और इसी के साथ इसका बात करें टोटल कलेक्शन हो गया है डे टू के दिन 46 करोड़ 51 लाख, डे टू के दिन इसका दोस्तों टोटल कलेक्शन हो चुका है। और ये मूवी जो बनकर तैयार हुई है 150 करोड़ में हुई है, जो कि मूवी आराम से अपना बजट कलेक्शन करके प्रॉफिट भी निकाल लेगी। आप सरफिरा को अगर देख लीजिए तो सरफिरा एकदम पिट चुकी है क्योंकि मूवी एक ही दिन दोनों आई थी, सरफिरा अक्षय कुमार की और कमल हसन की इंडियन टू, तो इंडियन टू धमाल मचाई हुई बॉक्स ऑफिस पे, सरफिरा तो मतलब फ्लॉप ही तय है उसका फ्लॉप होना। आइए बात कर लेते हैं इस मूवी का जो दोस्तों मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है 2D 3D का, वो मैं आपको बता दूं अभी तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी का 2D 3D का है 48% का मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है 2D 3D हिंदी और तमिल तेलुगु वर्जन का दोस्तों टोटल का। और मॉर्निंग शो इसका जो है परसेंटेज 9.47% का मॉर्निंग शो है। और आइए बात कर लेते हैं बुक माई शो का इंडियन टू का, जो टिकट का ट्रेंडिंग चल रहा है पिछले एक घंटे में 2000 के करीब टिकट बिक चुके हैं क्योंकि अभी मॉर्निंग का समय है तो टिकट कम बुक हुआ। अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो इसका टिकट और भी ज़्यादा बुक होगा क्योंकि ये मूवी अभी ट्रेंड कर रही है बुक माई शो पे। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया बुक माई शो का अपडेट। अब आइए बात करते हैं इस मूवी का बुक माई शो पे जो रेटिंग है मूवी का 5.7 का रेटिंग, जो कि बहुत ही कम रेटिंग है माना जाता है, गिर चुका है, लेकिन अभी भी मूवी ट्रेंड कर रही है क्योंकि मूवी इतना ज़्यादा कलेक्शन कर ली। मैंने आपको बता दिया है कमल हसन की मूवी इंडियन टू का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बुक माई शो का क्या रेटिंग चल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, रिव्यू अच्छा लगा हो। तो दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना है, मिलेंगे साथ जय हिंद वंदे मातरम, जय श्री राम।